तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट पॉइंट. लाइपोक्सिजिनेस साइक्लोक्सिजिनेस पाथवे एंड प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिंस ल्यूकोट्राइंस थ्रोम्बोक्सेटू और इनकी एक्शन, ये अभी हम पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे. आपके जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है? फॉस्फोलिपिड से बना होता है. फॉस्फोलिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन होते हैं, दो लेयर होते हैं इसके. तो ये जो फॉस्फोलिपिड है ये एक एंजाइम के थ्रू इसकी ब्रेकडाउन होगी. ये एंजाइम का नाम है फॉस्फोलाइपेज A2. नाम ही आसान है, फॉस्फोलाइपेज करेगा मतलब ये लिपिड के ऊपर एक्शन करेगा. जो फॉस्फोलिपिड नहीं है हमारे मेम्ब्रेन में मौजूद है इसके ऊपर एक्शन करके एराकिडोनिक एसिड ये बनाएगा. क्या बनाएगा? एराकिडोनिक एसिड. ये जो एराकिडोनिक एसिड यहां पर बन गया ये फिर एज ए सब्सट्रेट काम करता है फॉर टू एंजाइम्स. दो एंजाइम जो है वो फिर आकर के इस एराकिडोनिक एसिड के ऊपर एक्शन कर सकते हैं. एक का नाम है कॉक्स, दूसरे का नाम है लॉक्स. साइक्लोऑक्सीजिनेज लाइपोऑक्सीजिनेज. अगर साइक्लोऑक्सीजिनेज ने इस एराकिडोनिक एसिड के ऊपर एक्शन किया तो फिर ये क्या करेगा? ये प्रोस्टाग्लैंडिंस और थ्रोम्बोऑक्सीजिन A2 बनाएंगे. अब जान लीजिए कि हमारे पास जो कॉक्स है वो टू है, कॉक्स वन कॉक्स टू मोस्टली डिस्कस्ड. ओके, कॉक्स वन जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिंस बनाता है और साथ में थ्रोम्बोक्सिन A2. कॉक्स टू भी प्रोस्टाग्लैंडिंस बनाते हैं लेकिन इनका एक्शन पर डिफरेंस होता है. और ये जो हमारे कॉक्स एंजाइम है ये तकरीबन थ्रू और द बॉडी होते हैं, आपके पूरे बॉडी में अवेलेबल है. गॉट? अभी आते टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन दैट इज लॉक्स. अगर लॉक्स ने इसके ऊपर एक्शन किया एराकिडोनिक एसिड के ऊपर तो ये बनाएंगे हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स. ल्यूकोट्राइन B4 C4 D4 एंड E4. पहले बनता है B4 फिर C4 फिर C4 की डिफरेंशिएशन होती है इनटू D4 एंड E4. ये पे जाकर के अपने रिसेप्टर को फाइंड करते हैं फिर अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं. अभी हमने कॉक्स पाथवे और लक्स पाथवे के जरिए से प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिंस थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन्स पढ़ लिया कि कॉक्स पाथवे और लक्स पाथवे के थ्रू ये चीजें बनती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिंस थ्रोम्बोक्सिन एंड ल्यूकोट्राइन्स ये बनती हैं. अभी आते हैं टुवर्ड्स एक्शंस कि ये कैसे एक्शंस को परफॉर्म करते हैं. कॉक्स वन एंजाइम की बात करते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये कैसे एक्शन करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिंस और साथ में थ्रोम्बोक्सिन A2. ये प्रोस्टाग्लैंडिंस जो कॉक्स वन प्रोड्यूस कर रहा है इसके काम है वैसोडायलेशन करना, म्यूकस की प्रोडक्शन करना और प्लेटलेट्स को एग्रीगेशन से बचाना, मींस एंटी प्लेटलेट इसका फंक्शन है. थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जेनिशिन की. चीज प्रोस्टाग्लैंडिन जो यहां पर कॉक्स वन के थ्रू प्रोड्यूस हुआ ये वेसल्स को डायलेट करेगा जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है रिगार्डिंग किडनी पॉइंट ऑफ व्यू. वहां पर ये वेसल्स को डायलेट कर रहे हैं और फिर जो ब्लड की परफ्यूजन है वो अच्छे से होती है, ब्लड मतलब अच्छे से पास होता है. म्यूकस की सिक्रीशन करता है, कहां पर? आपके जो GIT है मेनली आपका जो स्टमक है वहां पर म्यूकस को प्रोड्यूस कर रहा है. और म्यूकस जो है अगर वो प्रोड्यूस होता है तो आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है वो प्रोटेक्ट होती है अगेंस्ट एसिड. आपके स्टमक में तो एसिड की प्रोडक्शन होती है तो उस एसिड से बचाने के लिए क्या हो रहा है? म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है. ये म्यूकस आपके आपके लिए एक प्रोटेक्टिव एजेंट है और ये एंटी प्लेटलेट एक्शन भी शो करता है, यानी कि प्लेटलेट बनने नहीं देता. और साथ में जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है इसका काम है वेसो कंस्ट्रिक्शन, ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है और साथ में ये प्लेटलेट एग्रीगेट कर रहा है. इन दो के फंक्शन जो है वो तकरीबन इस हवाले से रिगार्डिंग द ब्लड वेसल्स एंड प्लेटलेट्स एक दूसरे को एंटागोनाइज कर रहा है. वो किसे? वेजोडाइलेशन कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिंस लेकिन थ्रोम्बोक्सिन A2 वेजो कंस्ट्रक्शन कर रहा है और थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट को एग्रीगेट कर रहा है लेकिन ये एंटी प्लेटलेट एक्शन शो कर रहा है. कौन? प्रोस्टाग्लैंडिंस. तो इन दोनों की मौजूदगी लाजमी है इन ऑर्डर टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस ताकि एक नॉर्मल कंडीशन बहाल रहे बॉडी में. दैट्स इट. कॉक्स टू के जरिए से जो प्रोस्टाग्लैंडिंस बनते हैं ये रिस्पॉन्सिबल है पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन के लिए. इनके एक्शन क्या हुए? वेजोकंस्ट्रक्शन, प्लेटलेट, म्यूकस सिक्रीशन एक्सेट्रा. और भी एक्शन है. अभी मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे टॉपिक के मुताबिक एस्पिरिन, एस्थमा और अल्सर के मुताबिक मैंने इन फंक्शंस को उठाया है. वेल, रिगार्डिंग कॉक्स टू क्या हुआ? पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को ये क्या कर रहा है? मेडिएट कर रहे हैं. मतलब ये प्रोस्टाग्लैंडिंस जो है वो फिर यहां पर फंक्शनल है रिगार्डिंग पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन. और जो लॉक्स है इसके जरिए जो ल्यूकोट्राइन्स बने, ये ल्यूकोट्राइन्स इनका फंक्शन क्या है? जब ये रिसेप्टर को फाइंड करेंगे आपके स्मूथ मसल जो है आपके ब्रोंकियोस पर, जब ये रिसेप्टर पर पहुंचेंगे तो उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेशन के बाद वो रिसेप्टर जो है स्मूथ मसल्स को पैगाम देगा कि वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए. तो इस तरह से वो ब्रोंकोस्पाज्म करेंगे. गॉट? तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, ब्रोंकोस्पाज्म होते हैं. और साथ में यही जो ल्यूकोट्राइन्स इसी रिसेप्टर पर बाइंड हुए ये एजिनोफिल्स को, जिसको कुछ लोग इओसिनोफिल्स बोलते हैं, ये
स्टिमुलेट करते हैं, और आप लोग जानते हैं कि जब इसिनोफिल स्टिमुलेट होगा तो ये मजीद ल्यूकोट्राइन्स को प्रोड्यूस करेगा और साथ में प्रोटीएसेस भी प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीएस प्लस ल्यूकोट्राइन्स। ये दोनों फिर क्या करते हैं, ल्यूकोट्राइन्स जो है मजीद यहां पर आगे कुछ यहां से आ रहे थे और कुछ यहां से इसिनोफिल से आ रहे हैं, तो ये मजीद जो है एग्रीवेट करेगा ब्रोंकस की कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ब्रोंकस पास में कोई एग्रीवेट करेगा, और ये जो प्रोटीएस है फिर टिश्यू डैमेज करेगा जो कि ब्रोंकस में थे, टिश्यू डैमेज हुआ, और साथ में ये जो ल्यूकोट्राइन्स इसिनोफिल से रिलीज हुए और यहां से जो ल्यूकोट्राइन्स आ रहे थे फ्रॉम द लक्स पाथवे, ये सब क्या करेंगे, ब्रोंकोस्पाज्म करेंगे एज अ होल, टिश्यू डैमेज प्लस ब्रोंकोस्पाज्म कौन कर रहे हैं, ल्यूकोट्राइन्स कर रहे हैं जो यहां से लक्स के थ्रू आ रहे हैं। ये मैकेनिज्म हुआ किसका, हमारे प्रोस्टाग्लैंडिंस का, थ्रोम्बोक्सिनेट्रू का और ल्यूकोट्राइन्स का, दैट्स इट। अभी आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एस्पिरिन।